दोस्तों, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं सिफिक्सिम ओरल सस्पेंशन सिरप। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे ये आपके बच्चों को किस तरह से फ़ायदा देने वाला सिरप है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, और बच्चों को इसकी कितनी डोज देनी चाहिए और इसका MRP कितना होने वाला है। तो दोस्तों, सिफिक्सिम एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि सिफेलोस्पोरिन ग्रुप से बिलोंग करती है और इसके अपने बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत फ़ायदा करती है ये। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों को कॉमन लगी रहती हैं, उनमें ये बहुत अच्छी तरह से रिलीफ करती है और उस बीमारी को ख़त्म कर देती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल यानी घंटे के बटन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके अपने रिलेटिव्स और दोस्तों को भी ये यूज़फुल जानकारी मिल सके। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी खुद से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए भी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको किसी तरह का नुकसान उठाना पड़े। दोस्तों, अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह के अनुसार ही दवाई का सेवन करें। तो ये था आपके लिए एक डिस्क्लेमर और हमेशा इस चीज़ को फॉलो करना है। तो बात कर लेते हैं सिफिक्सिम ओरल सस्पेंशन के बारे में। ये एक ओरल सस्पेंशन है, ये बिल्कुल सूखा पाउडर है इसके अंदर, ये ड्राई पाउडर की फॉर्म में आता है और ये पीडियाट्रिक यूज़ ओनली यानी सिर्फ बच्चों के लिए है, ड्राई सिरप है। तो बात कर लेते हैं इसके एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग की। यहाँ आप देख सकते हैं 2020 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, 2022 तक इसकी एक्सपायरी डेट है। तो इसको 2 साल इजीली आराम से यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप दवाई खरीदते हैं तो इसको ज़रूर देखना चाहिए ताकि आप कोई एक्सपायर दवाई लेकर ना आ जाएं। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके साल्ट कंपोजिशन की। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिफिक्सिम ट्राईहाइड्रेट का इसमें 50 mg की मात्रा में कॉम्पोजिशन मिलाया हुआ है, यानी साल्ट इसमें डाला गया है, जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अब बात कर लेते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, कॉमन इसके जो फ़ायदे हैं वो बच्चों में अगर सर्दी बुखार है, उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का संक्रमण हो गया है, फोड़े फुंसी निकल आए हैं, तो ये सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए इस दवाई का यूज़ किया जाता है। और इसके साथ ही साथ बच्चों में गले का इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है, उनको खांसी बहुत ज़्यादा होती है, सकर सकर करते हैं बच्चे, खरखर करते हैं। और इसके साथ ही साथ UTI इन्फेक्शन, जैसे कि बच्चों को कभी कभी क्या होता है, पेशाब में इन्फेक्शनों की वजह से पेशाब लाल पीली आने लगती है, पेशाब बदबूदार आने लगती है, और कभी कभी बच्चों के कान में इन्फेक्शन हो जाता है, उनको कान में खुजली करने लगते हैं और कान से मवाद वगैरह आने लगता है। और इसके साथ ही साथ बड़ों में अगर ये दवाई लेते हैं तो STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जो होते हैं उनमें भी ये दवाई बहुत फ़ायदा करती है। दोस्तों, इस दवाई का जो मेन काम होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करना होता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जितने भी तरह के जो बैक्टीरिया हैं उनको ये मारती है और रोगी को अच्छा कर देती है। इसके अलावा इसका यूज़ टाइफाइड में भी किया जाता है। दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और सिफिक्सिम ग्रुप के अलग अलग जो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन है वो अलग अलग नाम से भी मार्केट में आती हैं, जैसे सिफिक्सिम है, सिफोडॉक्सिम है, सेफ्ट्राजोन है, तो इस तरह के ये इनके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। और अगर हम बात कर लें इसके ब्रांड नेम की, तो इसके ब्रांड नेम में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड नेम है वो जिफी है, टॉपसेफ है, महासेफ है, जेनफी ओ ओरल सिरप है। तो ये बच्चों के लिए कॉमन जो सिरप हैं वो सिफिक्सिम दवाई का कॉम्पोजिशन के साथ आते हैं। ये ब्रांड्स आप मार्केट में ले सकते हैं। दोस्तों, आप जो मेरे हाथ में सिरप देख रहे हैं ये एक ड्राई सिरप है जो कि अपने जेनरिक नेम सिफिक्सिम के नाम से आता है। दोस्तों, अगर हम इसका MRP देखते हैं तो ये 48.72 रुपये का इसका MRP है। तो नॉर्मल 2 या 4 रुपये कम करके आपको ये किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। और इसको लेने के बाद इसका जो डोज है उसको देने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसमें पानी को यहाँ तक मिलाया जाता है, पानी को बॉयल करना है यानी पानी को उबालना है, उसके बाद पानी को ठंडा करके यहाँ तक मिलाना है। और जिस तरह से आपके डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं यानी जिस तरह से आपके डॉक्टर बताते हैं ठीक उसी तरह से बच्चों को डोज देनी है। वैसे नॉर्मली बच्चों को इसकी डोज बॉडी वेट और उनकी एज के हिसाब से दी जाती है। तो नॉर्मली अगर किसी का बच्चा 1 साल का है तो उसको आप ये लगभग
0.4 ml दवाई सुबह शाम दो बार में दे सकते हैं। और अगर कोई बच्चा 2 साल का है या जिसका वजन 10-11 kg का है तो उसको लगभग 1-1 ml दवाई सुबह शाम आराम से आप दे सकते हैं, और इसके साथ ही साथ अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाई को दें। दोस्तों ये एक रेड स्ट्रिप मेडिसिन है, तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस पर फोकस रहता है। जब भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इसको रेड स्ट्रिप मेडिसिन में रखा गया है। तो रेड स्ट्रिप मेडिसिन क्यों रखा गया है इसका एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर है, आप जाकर वहां से इसकी जानकारी पा सकते हैं। और ये इस दवाई के बहुत सारे फायदे आपने देखे, तो इसके साथ ही साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं, यानी कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट इन फायदों के कंपेयर में बहुत कम है। तो कभी कभी आपको इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि बच्चे को गैस हो सकती है, उसका पेट फूल सकता है, थोड़ा बहुत उसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आ सकती है, सर दर्द हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, बच्चे को चक्कर आ सकते हैं हल्के फुल्के, और वो वॉमिटिंग भी कर सकता है। इसके अलावा कभी कभी स्किन पर रैसेस भी हो जाते हैं, तो ये कॉमन नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर इस तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं तो तुरंत दवाई को रोक के अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं, ताकि वो आगे का जो भी फर्दर ट्रीटमेंट है वो कर सकें। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी कोई दवाई खुद से नहीं लेनी है, ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, तो इसके अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना है और हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाई का सेवन करना है। दोस्तों आप थे अपने दोस्त AK के साथ और आप देख रहे थे यूनिक मेडिसिन यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे के बटन को दबा दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके अपने रिलेटिव और दोस्तों को भी ये जानकारी मिल सके। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक सेफ रहिए, आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।